ना तो कोई दोष दस रहे हैं, बस जी तुम जमीन च पानी पाते हो। असं कहने भी तुम प्रूफ करो, साढ़े नाल चलो, जिथे असी जमीन च बोर करके पानी पाया वह सानू दसो, अभी वह तुम पटाके दिखा देंगे। पंजाब दे फिरोजपुर जिले दे विच जीरा नजदीक पिंड मंसूर वाला विखे शराब फैक्टरी मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड दे विरोध दा मामला लगातार चर्चा दे विच है। इस फैक्टरी दे सीईओ पवन बांसल ने प्रेस क्लब फिरोजपुर विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा है। उन्हां दे दावे दे मुताबिक ए सारा विरोध एक बोर नाल शुरू होया अते कोई भी जांच रिपोर्ट फेल नहीं हुई। दस दईए कि जिथे शराब फैक्टरी खिलाफ मुजाहरा चल रहा है उस इलाके दे लगभग 40 पिंडां दी दलील है कि शराब फैक्टरी दे निकलन वाले पानी कारण उन्हां दा धरती हेठला पानी दूषित हो गया है अते इस दा असर उन्हां दी सेहत उत्ते पै रहा है। एक बोर कराया सी किते गुरद्वारा साहिब च, उत्थों जदों बोर चलदा उदों शुरू शुरू तां सर गंदा पानी निकलना ही है ना। उह कहिंदे जी इह शुगर अपने शराब फैक्टरी दा पानी है, ते चलो जी शराब फैक्ट्री के धरना ला दो। आही एक कारण है, होर कोई कारण नहीं। पोल्यूशन बोर्ड तो हर 6 महीने बाद रिपोर्ट होंगी है, उस तो बाद NGT की रिपोर्ट हो चुकी है, उस तो बाद CPCB वाले भी होके गए है, कदे कोई रिपोर्ट फेल नहीं होगी, सारिया रिपोर्टा जो पास हो गई है। 280,000 लीटर इथनोल बनता है पर डे, ते सारा ऑयल कंपनिया जाता है जेड़ा पेट्रोल च मिक्सिंग होंगी है। मंसूर वाला विच शराब फैक्टरी 2006 दे विच लगी सी, इत्थे शराब ते इथोनोल तैयार कीता जांदा है। फिलहाल मामला हाई कोर्ट दे विचार अधीन है अते इस मामले दी अगली सुनवाई हुण 28 फरवरी नूं होएगी। गवर्नमेंट नूं बहुत रेवेन्यू जांदा सी, 1 करोड़ रुपया मन के चलो रोज दा रेवेन्यू सी। असीं इह प्रेस कॉन्फ्रेंस जां इह डिबेट जिहड़ी है उह फैक्टरी दे बाहर करना चाहुंदे आ तां कि उह वी साडे नाल आउण, साडे नाल क्वेश्चनिंग आंसरिंग करन। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਪੀ ਲੈਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹ ਪੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, NC7 ਨਿਊਜ਼।